चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करें हमारा टॉपिक रिलेशनल फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में हमारा तीन पॉइंट्स मैंने बताए थे, पहले कार्टेशियन, फिर रिलेशन और फिर फंक्शन, ठीक है ना। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा है सर, ठीक है। चलिए जहां तक मैंने कराया वहां तक किसी का कोई डाउट और कन्फ्यूजन, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे करने के लिए उसमें किसी का कोई डाउट और कन्फ्यूजन? मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। अरे प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है, ए और फाइव का प्रोडक्ट निकालना है। हाँ बिल्कुल, जब आप कह रहे हो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो यानी फाइव क्या है, जीरो, तो समथिंग इनटू जीरो जीरो ही तो रहेगा, तो कुछ नहीं आएगा सर। चलिए जी, ठीक हो गया, आगे चलें। चलिए शुरू करते हैं, डालिए जी हरी, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सर। तो अगर हमें ए क्रॉस बी के सबसेट निकालने हैं, तो ध्यान करना सबसेट क्या था सर, पावर सेट बताया था ना, तो वहां पर टू की पावर एन आता था, या टू की पावर एन ए क्रॉस बी आ जाएगा, सेम लॉजिक है। और ए क्रॉस बी क्या था, एन ए इंटू एन बी, तो सेम लॉजिक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने कहा सर इफ ए क्रॉस बी हमें दे रखा है 2625, ये दे रखा है। अब वो कहता है इसके सबसेट निकाल दीजिए, फाइंड द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है जी। हाँ सर, तो आपको पता है सर पहले इंडिविजुअल चलेंगे सर, पहले क्या चलेंगे, इंडिविजुअल। तो यानी इसके जो सबसेट चलेंगे, पहले खाली 2.6, ठीक कह रहा हूं, एक बार खाली 2.5, बोले सर सुनारी बात, ठीक है, एक बार 2.6 और 2.5 दोनों, और एक बार 5, बोले सर सुनाती बात, ठीक हो गया। क्रॉस चेक करना याद रखिए सर, क्रॉस चेक करना कि अगर हम यहां बात करें तो 2 की पावर एन ए क्रॉस बी का, सर टू कितने प्लेयर हैं, दो हैं, चार, सर 1, 2, 3, 4 हो गया सर, हो गया सर। अगर वो इसके पावर सेट कह देता सबसेट की जगह, तो एक और कर्ली ब्रैकेट बाहर आ जाता सर। बोलिए सर, बस में आ रही है, ठीक है, बोलिए क्लियर है। जब हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो हम बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे, भाई उसने हमसे यहाँ पे मांगा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है सर, उतर लिया, कर लिया, करूंगा आगे। अब अगला क्वेश्चन ये होता, अगला क्वेश्चन आप अगला ही लिखना जी, इफ ए क्रॉस बी फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है जी। नंबर मांग रहे सर तो आपको केवल नंबर बताने हैं सर, ठीक है जी। तो उस केस में सर इतना टाइम पास नहीं करेंगे हम, ये आंसर होगा जी। बोलिए सर, आया सुनने, ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं आपका दिमाग कितना लगाते हैं, खत्म करूं, उतार लिया ना, जब तक उतारते रहोगे समझते रहोगे तभी बेड़ा पार है जी। कोई चीज कहोगे समझ गए उतार नहीं रहे तो दिक्कत है। चलिए, मैंने कहा इफ ए 1.2, बी 3.4, अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है सर,
दूसरा हाउ मैनी ए क्रॉस बी, ठीक है जी, लिस्ट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस करिए, देखते हैं जी क्या करते हैं। आइए जी, ए क्रॉस बी, हाँ जी, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, चलिए जी ये आ गया सब। अब हमने कहा सर इसके हमें सबसेट बनाने हैं, ठीक है जी, टेबल सिंगल सिंगल लोगे सारे, तो अब जो इसके सबसे अच्छा नंबर पहले बताने हैं, तो 2n ए क्रॉस बी, 2n ए इंटू एन बी जो मर्जी लिख लो सर, तो इसमें कितने हैं 2, उसमें 2, 2 की पावर 4, 16, तो 16 सबसेट बनेंगे, ठीक है, हाँ ठीक हो गया, आई बात सुनने। अब इसमें लिस्ट सर इसे जो रहेगा 16 सेट बनेंगे, ठीक, आइए सर ये हटा दूं, ये हटाओ, हाँ जी सर। अब आप क्या करोगे सर, पहले आप एक एक पेयर लोगे, यानी 1, 3, 1, 4, अब ये तो पता है ना कर्ली ब्रैकेट ऊपर चलेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 4 बन जाएंगे नहीं, फिर 2, 2 के लोगे, फर्स्ट सेकंड, 1, 3, 1, 4 कर्ली ब्रैकेट, पहला तीसरा 1, 3, 2, 3, पहला चौथा 1, 3, 2, 4, एलेक्शन सारे निबड़ गए, फिर दूसरे से शुरू हो जाओ, सेकंड फर्स्ट हो ही चुका है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और सेकंड फोर्थ, सेकंड से हो गए, थर्ड के समय यही बचा है 2, 3, 2, 4th, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट सेकंड से पहले हो चुके हैं, फोर्थ के समय पहले हो चुके हैं जी, तो ये आपके बन गए 2, 2 के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऐसे बन गए। अब कितने लोग 3, 3 पेयर के लोग, 3, 3 पेयर के, तो पहले आपने सबसे लास्ट वाला छोड़ दिया 1, 3, 1, 4, 2, 3, कौन सा छोड़ दिया आपने फोर्थ, अगली बार कौन सा छोड़ दोगे थर्ड, अगली बार छोड़ दोगे सेकंड, अगली बार छोड़ दोगे फर्स्ट, कितने केस बने 4, ठीक हो गया जी। फिर सारे के सारे लोग एक बार कर्ली ब्रैकेट में एज इट इज 1, 3 से लेके 2, 4 तक, एक केस बन गया, ठीक हो गया, लास्ट 5 सबका सबसेट है, ठीक है जी, जोड़ो कितने हो गए जी, आ गए 16, तो ये चीज हमें आनी चाहिए, ठीक हो गया, हाँ जी बताइए ठीक था जवाब, गलत था आप लोगों का, ठीक था, नहीं गलती हो गई थी, अब आया सुनने सही उतार लिया, जब कुछ गलत हो जाए उसे खचर पचर नहीं करनी है, उसको बोला बनाना है और नीचे सही करना है, ताकि हमें यह भी ध्यान रहे कि हमने क्या गलत किया था और सही किया, ठीक हो गया, चलो सॉरी मैडम, लिस्ट ऑफ देम, ये तो नंबर हो गया, अगर लिस्ट मांग ली लिस्ट तो ये है, समझ रहे हो, अगर इसका पावर सेट कर देता है तो एक और कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा और कुछ नहीं, सब पड़े, ठीक हो गया, चलिए देखिए जी, उसने कहा क्वेश्चन में कि ए क्रॉस ए हैज, ए क्रॉस हैज 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स हैं, उसमें से अमंग दैट, ठीक है जी, एक -1.2 है और एक 2.1 है, ठीक हो गया जी, तो अब फाइंड कर दीजिए आप सेट ए, ये सेट ए निकाल दीजिए, ठीक है जी,
निकालिए, जब हो जाए तो आप कर देंगे। तो सेट ए निकालना है एंड ए क्रॉस ए भी निकालना है, दो चीजें निकालनी है। हमने कहा ए में, इसने कहा ए क्रॉस ए में ही आ रहा है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था आपसे, जो पहले वाला एलिमेंट है वो इससे रिलेट करेगा और दूसरा एलिमेंट इससे रिलेट करेगा, ठीक है जी। तो जरा ध्यान दीजिए सर, जो पहला एलिमेंट है माइनस वन और टू, बाद में भी तो ए ही है, तो सारे इसी से करेंगे, यानी माइनस वन टू और वन। बोले सर समझ आती है बात, ठीक कराई हमने, ठीक कराए बस, फिर तो बचा क्या, ए क्रॉस ए तो आप मेरे से बेटर निकाल दोगे सर, माइनस वन टू वन क्रॉस माइनस वन टू और वन हो जाएगा सर, ठीक है जी। अब माइनस वन माइनस वन, माइनस वन टू, माइनस वन वन, टू माइनस वन, निकाल दो सर, हो जाएंगे सर, ठीक हो गया। चलिए बताइए किसका ठीक था जवाब, क्या हो गया, गलती कर दी, क्या करी बताओ ना मुझे, तभी तो मैं सॉल्व करूंगा ना, आप मुझे बताओगे कि ये गलती हुई तो मैं पढ़ना चाहूंगा ना आपके दिमाग में क्या गलती हुई, बोलो क्या नहीं निकला आपका इसमें, ये निकल गया था ए, तो फिर तो सिंपल मत लगाया करना, ठीक है सर। पता एक बार माइनस वन के साथ, फिर माइनस वन टू के साथ, फिर माइनस वन वन के साथ, फिर टू माइनस वन टू 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 वन वन माइनस वन वन टू वन वन हो गया, ठीक है सर, ठीक है कर जल्दी से। हाँ जी राघव वासु आपका ठीक था, यस सर। चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक रिलेशन, देखिए ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या था, रिलेशन फंक्शन, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट एक अच्छा सा टॉपिक था, इसमें कोई डाउट नहीं है, इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन, तो माय फ्रेंड्स हम रिलेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें अच्छे तरीके से आता है, बिकॉज अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो रिलेशन उसका सबसेट है, कुछ आ रहा है समझ आ रहा है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट था तभी तो रिलेशन निकालोगे, बस समझ आ रही है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि रिलेशन समझ आ रही है, कि ए क्रॉस बी ही रिलेशन हो सकता है या उसका कोई सबसेट हो सकता है, ठीक है जी। लिखा समझते रहो, लिखते जरूर रहो, कि देखो अगर लिखोगे नहीं ना तो बाद में कुछ नहीं याद रहेगा, और मैंने आपको कहा है कि कोशिश करके हेडिंग दूसरे कलर के पेन से लिखने की कोशिश करें। अगला सवाल, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, किस तरह से हम रिलेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मेरे बेटा तीन मेथड से हमारे पास प्रेजेंट करने के, ठीक हो गया। एक तो वही सेम रोस्टर, ठीक है जी, दूसरा सेट बिल्डर, अब इसमें एक और आ जाएगा सर, एक एरो डायग्राम होना जाएगा, ठीक है जी। देखिए जी अब एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया, फाइंड करना है सर ए क्रॉस बी, तो प्रॉब्लम वाला हो गया काम। उसके बाद आपको एक रिलेशन निकालना है एक्स वाई में कि सच एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू फोर, जहां पे एक्स बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है बी से। चलिए ए क्रॉस बी तो निकालिए, फिर देखते हैं रिलेशन क्या निकालते हो या मैं निकालता हूं, निकालिए करूं चेक, नहीं मैं कर रहा हूं, आप बोर्ड पे मत देखना, ठीक है, ईमानदारी से, बहुत बढ़िया।
जी क्रॉस बी। हाँ सर ये आ गया। ध्यान गेंद किसकी है सर? ध्यान की गेंद। उसने रिलेशन क्या कहा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। तो अब उसने रिलेशन एक्स और वाई दिया। एक्स किससे बिलोंग करा है? ए से। और वाई किससे बिलोंग करा? बी से। तो आपने यही करा है सर यहाँ पे। तो अब रिलेशन में जरा देखिए हम। तो सर ये जो रिलेशन है सेटबिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में कि एक्स में से वाई जाए चार आए, फाइव में से थ्री जाए तो चार को नहीं आ रहा। फाइव माइनस सेवन, फाइव माइनस नाइन, सेवन थ्री आ गया सर। जो सेवन में से थ्री गया तो फोर आ रहा है, रिलेशन में आएगा। फिर अगला देखिए जी, इलेवन सेवन आ गया फोर, ये अगला आ गया इलेवन कॉमा सेवन। और देखिए जी बस, अब बताइए सर समझ में आया? अब बात करिए सर अपने से। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि रिलेशन सब सेट है ए क्रॉस बी का। ये समझ आ गया भाई? जो इसमें है या तो ये सारा आ जाएगा उठ के, या इसका कुछ पार्ट आएगा, तो रिलेशन इसका हिस्सा ही तो हुआ ना। ये कह रहा था रिलेशन सबसे। अब बताइए जी वासु, समझ आई बात? यस सर। हो गया क्लियर? चलिए तो इस तरह से मैं कहना चाह रहा था कि जो रिलेशन जो भी सेटिस्फाइड होगा कार्टेशियन में से वो आ जाएगा। तो हो सकता है अगर सारे ही सेटिस्फाइड हो जाए सारा का सारा उठ कर आ जाए, ये भी तो हो सकता है किसी में कि पता चला सारे का सारा पेयर रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर सारा का सारा पेयर रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो पूरा का पूरा पेयर उठ के आ जाएगा। बताइए सर बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? ठीक हो गया? चलिए चलिए जी अगला क्वेश्चन जी। ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, ए क्रॉस बी निकालना है, रिलेशन ये दे दिया एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन थ्री। समझ आ रही मेरी बात? स्मॉलर देन थ्री, ठीक है जी। वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ए क्रॉस बी तो है हमारे पास, ठीक है। अब ये और निकाल दीजिए आप, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन थ्री, स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक हो गया? करिए जी निकालिए उसके अंदर। लिख देना ना एज अबो क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी लिख देना। अगला निकालो, निकाल देंगे, निकालो वही आ गया सर। अब रिलेशन देखिए सर, अब सर हमने कहा x माइनस फाइव तीन से ज्यादा हो, सर फाइव माइनस थ्री क्या टू नहीं है, तीन से ज्यादा, फाइव माइनस सेवन नहीं है, फाइव नाइन नहीं है, सेवन थ्री है सर। चलो जी सेवन कॉमा थ्री आ गया, ठीक है जी। सेवन सेवन नहीं आया, सेवन नाइन, इलेवन थ्री आ गया सर, इलेवन थ्री सर, इलेवन सेवन भी आ गया, इलेवन सेवन, इलेवन नाइन नहीं आया, फिफ्टीन थ्री आ गया, फिफ्टीन सेवन आ गया, फिफ्टीन नाइन, ठीक हो गया? आया सुन गए? ठीक है चलिए। किस किसका जवाब ठीक था? ऑनलाइन वाले भी हाथ खड़ा किया करो भी, जिनका जवाब ठीक हो, दोनों का ठीक था, बहुत बढ़िया शाबाश। अब जब हम छोटे थे और हमें एडिशन सिखाई गई, तो देखो कैसे सिखाई गई थी एडिशन, ठीक है। अगर हमें प्लस करना होता था फाइव प्लस थ्री या सिक्स प्लस टू, कहते चलो सिक्स प्लस टू एड करना था, तो हमें कैसे सिखाया जाता है वो जरा ध्यान। हम लोग कहते थे देखो बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया बेटा, वन टू ये हो गया बेटा, अब शुरू से काउंट करेंगे बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इससे सीखेंगे। मैं ठीक बोल रहा हूँ? ऐसे होता था ना, तो कहता था एट हो गया बेटा, ठीक है यही सिखाया जाता था। अब सर क्या, अब हम ये करते हैं ये काम, अब तो सीधा कहते हैं सिक्स प्लस टू एट, चलो ये आगे सर, इज दैट क्लियर? तो ठीक है ना ये तरीका सीधा करना, तो अब ऐसे ही लगे रहोगे, सीधा भी कुछ करोगे, सीधा करेंगे, शुरू करो। सेम यही क्वेश्चन सेम, ये तो मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है सर मुझे, नहीं तो जनरली क्या होता है ये क्वेश्चन होता है, और आपसे ए क्रॉस बी नहीं मांगा जा रहा होता, समझ रहे? सीधा ये रिलेशन मांगा जा रहा होता है। तो अब आप क्या कहोगे जब हम ए क्रॉस बी निकाले, समझ रहे हो?
तो अब सीधा कैसे निकालेंगे जरा वो ध्यान करिए। उड़ा दिया सर मैंने एक क्रॉस भी, एक क्रॉस भी उड़ा दिया, ये लो ज्यादा हुआ, मैं रिलेशन उड़ा देता हूँ, ये लो उड़ गया, रिलेशन निकालना है। अब डायरेक्ट रिलेशन कैसे निकालेंगे जरा उस पर ध्यान दीजिए, रिलेशन ठीक है जी। हम अपने दिमाग में क्या रखेंगे सर, ये हमारे दिमाग में चल रहा है, इसमें से तीन जाए ठीक है जी। तो आपको पता है सर, एक बार फाइव थ्री को लो, पांच में तीन जाए दो, फाइव सेवन फाइव नाइन, क्वेश्चन नहीं बना तो अपने दिमाग में चल रही है वो कहानी। फिर सेवन के संग सात में लो, सेवन थ्री, हाँ सर बन गई बात। फिर सेवन के संग सेवन, नहीं जीरो होता है जी, सेवन के संग नाइन, माइनस टू हो गया जी। इलेवन के संग थ्री, हाँ भाई आ गया, क्योंकि एट एट आ रहा है डिफरेंस। इलेवन सेवन फोर आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा जी। फिर इलेवन नाइन, नहीं टू आ रहा है जी डिफरेंस। फिफ्टीन थ्री आ रहा है सर, फिफ्टीन सेवन आ रहा है सर, फिफ्टीन नाइन आ रहा है सर, बोलिए सर हो गया सर, बन गई बात बगैर कार्टेशियन के। तो ये देखो हर टीचर का अपना एक पैटर्न है पढ़ाने का, मैं ये नहीं कह रहा मैं गॉड या मैं आज बहुत बेहतरीन टीचर हूं, नहीं मैं आज भी सीख रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अगले साल भी सीखूंगा, मैं हर वक्त सीखने की को चाहत रखता हूं जब तक मर ना जाऊं, और मरने के बाद भी पता नहीं क्या कुछ सीखने को दे ऊपर वाला, वो भी हो सकता है, मुझे नहीं उसका पता नहीं है आज ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इंसान को भूख रखनी चाहिए किस चीज की, सीखने की। जिस दिन ये इंसान ये कहेगा जी मैं टॉप हो गया जी, मैं तो पता नहीं क्या पढ़ाता हूँ, या मैं क्या हो गया, या मैं क्या पढ़ता हूँ, पर वहां दिक्कत है, वहां सीखने की चाहत खत्म हो जाती है। तो हमेशा हमें सीखने की चाहत को जागृत रखना चाहिए, सीखने को ठीक है, आई बात सुन में हो गया क्लियर, तो यानी हो गया डायरेक्ट, बोल बेटा एग्जैक्टली, इसलिए नहीं लिया तो चाहते तो मैं ले लेता हूँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये लीजिए सर, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, रिलेशन निकालना है एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अब इसमें ए क्रॉस बी नहीं मांगा ना, तो डायरेक्ट निकालिए और निकालिए रिलेशन। हाँ जी सर निकाला ना सर, क्रॉस चेक करें सही है गलत है, चलिए मेरे बेटा रिलेशन वाई क्या है, एक्स प्लस टू, तो सर एक्स में अगर एक डालता हूं तो वाई कितना है, थ्री है उसमें, यानी वन कॉमा थ्री आ गया। अगर टू डालता हूं तो फोर है उसमें, आ गया सर टू कॉमा फोर। थ्री डालता हूं तो थ्री प्लस टू फाइव है, आ गया सर। फोर डालता हूं तो सिक्स है क्या, है नहीं है, आया कुछ सुनने, बोलिए सर बात सुन आई। फिर उसके बाद फोर के बाद फाइव है, फाइव प्लस टू सेवन है, तो फाइव कॉमा सेवन, सिक्स है तो एट है, सिक्स कॉमा, हो गया क्लियर। अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाने लग जाए सर इसका, तो सोचिए सर कितना लंबा जाएगा सर, वन के संग पहले सारे, फिर टू के संग सारे, थ्री के संग सारे, फोर के संग, फाइव के संग, सिक्स के संग, सर हालत खराब हो जाएगी, पेपर पूरा हो ही नहीं सकता, बताइए सर बात सुन में, हो गया क्वेश्चन। चलिए हाथ खड़ा कर जिनका जवाब ठीक है, क्या गलत हो गए, क्यों क्यों मारिए, गोला मारिए, ठीक करिए, चलिए बहुत बढ़िया, जिंदा ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए सेम यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, देखिए अब क्या कह रहा है, एंड ए एरा बी एरा एंड रिलेशन एरा ठीक है जी। शो द रिलेशन बाय एरो डायग्राम ठीक है जी, यही रिलेशन शो कर रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका कौन सा, एरो डायग्राम सर, सेट बिल्डर ये रहा, रोस्टर में इतने सारे करें, अब एरो डायग्राम से शुरू करूं, रिलेशन एक्स और वाई में है, एक्स रिलेशन वाई ठीक हो गया जी, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, वाई किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, ए क्या है सर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बी में क्या है सर, थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन ठीक हो गया सर। अब इनके बीच में जो x अगर
एक्स प्लस टू वाई है, तो अगर एक्स में एक डालता हूं तो वाई कितना है थ्री, तो अगर एक्स में एक है तो वाई कितना हो गया थ्री, और ये हो गया एड हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर सर यहाँ पे आपका एक्स कितना है अगला टू, टू प्लस टू कितना होगा फोर, थ्री प्लस टू थ्री प्लस टू फाइव, फोर प्लस टू सिक्स नहीं है छोड़ दो, फाइव प्लस टू सेवन, सिक्स प्लस टू मतलब ये सर क्या मुश्किल है, डट गया रोड है आगे सुनने बन गई। तो यहां पे हमने जो सीखा कार्टेशियन खत्म हो गया, रिलेशन हमने सीखा, अब इसका नया स्टेप जो हम सीखेंगे सर वो सीखेंगे डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ आ रही मेरी बात, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी स्टार्ट द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज।